हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग गाइस। सीओडी का एक नया वीडियो जो हम आपके लिए साथ लेके आए दोस्तों, फ्री फॉर ऑल। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि हर एक बंदा अपने अपने के हिसाब से खेलेगा। जी हाँ दोस्तों, सोलो प्लेयर सोलो टीम। जी हाँ दोस्तों, सीओडी का एक नया टीडीएम मैप है जो फ्री फॉर ऑल के नाम से अभी लॉन्च हुआ है दोस्तों। हालांकि बहुत पुराना है, पर हम जो सीरीज बना रहे हैं उसमें फ्री फॉर ऑल का ये लास्ट वीडियो है। हालांकि टीडीएम का हमने बाकी के सारे जो मैप है उसके वीडियो बना चुके हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो भी आपको अच्छा लगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारी जो टीम आएगी वो कितनी आएगी पता नहीं, पर सोलो में आएगी। जी हाँ दोस्तों, आप जितने भी प्लेयर देखोगे वो सब सोलो में खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टीम रहेगी पर सोलो में रहेगी, और देखते कितनी अच्छी प्लेयर टीम रहती है। क्योंकि हम जो ये पहली बार खेल रहे हैं तो आई होप हमें पता नहीं होगा कि कितने किल पर हमें विनिंग मिलेगा या फिर कितने किल पर हमें जो है लॉस मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो टीम तो शायद बिखर रही है क्योंकि चार और चार दोस्तों आठ रहेगा। पर हमें ये सिर्फ फ्री फॉर ऑल, मतलब हर एक बंदा अलग से फ्री रहेगा, क्योंकि आप अपने टीम मेंबर को भी मार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मोड ऐसा है कि आप अपने टीम मेंबर को भी मार सकते हैं और उसकी किल भी आपको पॉइंट में गिने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने भी टीम प्लेयर को मार दोगे तो भी उसके किल मिलेंगे, और सामने वाली जो टीम को मारोगे तो उसके भी किल मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये मैप बहुत अच्छा है। ये देखिए दोस्तों, हमें हमारे ही टीम मेंबर ने मार दिया क्योंकि वो साइड से आ रहा था। ये देखिए दोस्तों, देख रहे हो दोस्तों, तो एक बंदा मिल गया हमें, हम उसे ही मार देते। देखते हैं, अरे भाई किधर गया। ओ भाई, मतलब देख रहे हो, मतलब बंदा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो गाइस वो आ रहा है, देख रहे हो दोस्तों, हमने एक बंदे को तो मार दिया भाई। पीछे से गोलियां पड़ रही है, पीछे कहाँ से भर रही है भाई। तो हम एकदम अटैच के कॉर्नर पे, जहाँ से मतलब मैप ख़त्म होता है दोस्तों, वहीं से हम रश कर रहे हैं क्योंकि आगे, क्योंकि हमारे ही टीम मेंबर हमें मारने वाला है। तो दोस्तों क्या फिर खेलना, हालांकि ये सोलो वर्सेस स्क्वाड के हिसाब से रहेगा। वो भाई दिख रहे हो, पीछे से जहाँ से बंदा आया हमने वहीं से किल कर दिया, हालाँकि वो हमारी जगह थी। ओ शिट, देख रहे हो भाई, सामने से मतलब बंदा खड़ा था, हम उसे मार रहे थे फिर भी उसको गोली नहीं लग रही थी। देख रहे हो दोस्तों, उसकी जब उसकी पोजीशन से मैं गोली मार रहा था तो उसे एक भी गोली नहीं लग रही थी। ये देखिए दोस्तों, अरे भाई दूसरा भाई, देखो दोस्तों, वो आप दोनों एक साथ सामने सामने खेल रहे थे, हम उसके पीछे से मार दिया तो भी हमें किल मिल गया। तो हमारा प्लेयर किधर गया, मतलब देख रहे हो दोस्तों, हर तरफ से आपको गोलियाँ पड़ रही है। ये मैप बहुत अच्छा है दोस्तों, हमें तो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पर फिर भी चलो ये मैच तो पूरी कर लेते, क्या पता हम थोड़े बहुत किल कर पाए। तो बंदे देख रहे हो दोस्तों कहाँ से, मतलब देख रहे हो दोस्तों, कोई भी आके भील जा रहा है, कोई भी आके हमें मार जा रहा है दोस्तों। ये मैप मुझे बहुत अच्छा लगा। ओ शिट भाई, मतलब उसकी गोलियाँ इतनी तगड़ी होती कि हम जंप करके नीचे गिरते हैं भाई। यार नया मैप तो बाकी बहुत मैप उससे अच्छा है। ओ शिट, देख रहे हो दोस्तों, जो बंदे एक ही टीम के वो भी एक दूसरे को मार रहे हैं, पर अच्छा लगा यार, मतलब आपका जो किल स्कोर है वो थोड़ा बढ़ेगा, और आपका जो सोलो वर्सेस स्क्वाड का जो था, अब यहाँ पे डबल स्क्वाड के साथ आप भिड़ रहे हो, ये तो यही बात हो गई। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला राउंड शायद ख़त्म हो गया, फोर्थ प्लेस। ये दोस्तों यहाँ पे सबके लेवल आ गए, कौन कितना किल किया। तो भैया यहाँ पे तो हमने कुछ किल नहीं, भाई देख रहे हो, मतलब बंदा ऊपर से शॉट कर रहा था भाई। ये क्या है भाई, ये फिर से गेम खेलना पड़ेगा शायद, हमें देखना है कि ये बंदे कर क्या आ रहे थे, हमें तो इस मैप का कुछ पता ही नहीं चल रहा था दोस्तों। ऊपर से बंदा शॉट कर रहा था, मतलब यार ये तो गजब का मैप है यार, फिर से खेलना पड़ेगा। तो भाई 21 किल, 13 किल और 14 किल, मतलब तीन बंदे यहाँ पे टॉप थ्री में आ गए भाई। ये मैच तो फिर से खेलना पड़ेगा यार, बनता है एक बार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबके स्कोर आ रहे हैं दोस्तों, हमने पहली मैच में 9 किल किया है यार, गलत बात है यार, जो सबसे ज़्यादा बंदे 21 किल किया है वो बंदा भी टॉपर है। तो यार फिर से गए एक बार, ये गेम खेल लेते यार, मज़ा आ जाएगा एक बार। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सामने बंदे चार, अपने चार, आई होप कि गेम ये वाला आप थोड़ा बहुत अच्छा हो दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा मैप चेंज हो चुका है, कोई बात नहीं,
पर मज़ा आएगा, फ्री फॉर ऑल का ही है, तो देखते हैं ये वाला कैसा रहेगा। क्योंकि जो टीडीएम मोड है वो फ्री फॉर ऑल का ही है, पर यहाँ पे मैप चेंज हो चुका है, क्योंकि हमारा जो मैप था पिछले वाला वो थोड़ा अच्छा था, ये थोड़ा ड्राई और विंटर वाला है। और यहाँ पे जो हमारा स्कारफॉल का जो एक मैप है बॉनयार्ड, उसके जैसा थोड़ा दिख रहा है। गाइस आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि स्कारफॉल एक अच्छी जो इंडिया की है अच्छी गेम है, और इंडिया की है तो यार भाई खेलने में मज़ा आएगा, और उसमें भी काफ़ी सारे मज़ा आता है दोस्तों। यहाँ पे अच्छे अच्छे मैप बनाए गए, क्योंकि इंडिया की गेम है तो भाई इंडिया के मैप तो आपको मिलेंगे ही वहाँ पे। तो गाइस एक बार आप अगर चेकआउट नहीं किया तो कि प्लीज़ हमारे जो वीडियोज़ है उसमें आप चेकआउट कर सकते हो, स्कारफॉल वीडियो के नाम से हमारा जो एक जो ट्यूटोरियल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो भाई देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे अब हम पहली मैच में थोड़ा गलती कर दिए थे, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे अपने ही प्लेयर को मारने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपना प्लेयर कोई है ही नहीं, सोलो वर्सेस मतलब डबल स्क्वाड है आप यही समझ लो। तो भाई हमने अभी तक 2-3 किल तो कर ही लिए, भाई हमारे जो रॉकेट और जो मिसाइल थे सब फुल हो गए। आई वो एक बार चला ले तो हमें पता चलेगा कि कितने किल हम मिल सकते, क्योंकि यहाँ पे सभी तरह से डिफेंस टीम ही हुए शायद। ये देख रहे दोस्तों क्या मतलब किल मिल रहा है अभी, क्योंकि हमें इस गेम का जो टीडीएम ये मोड का टीडीएम था, हमें समझ आ गया कि भाई बंदे कितने रहेंगे, कितने को किल करना है। ओ शिट भाई देख रहे हो मतलब पीछे से आके मार दिया भाई, ये गलत है यार। तो गाइस हमारा जो मिसाइल रॉकेट और लॉन्चर था सभी के सभी वैसे ही है। तो गाइस देख रहे हो आप मतलब सभी आपको किल करने को मिलेंगे। शिट यार हमारा जो मिसाइल था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप मिसाइल अगर टेरेस पे या फिर किसी की छत के ऊपर डालोगे तो दोस्तों वो आपको किल नहीं कर पाएगा और उसका आपको किल नहीं मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, आप अगर जो बंदे नीचे रहेंगे उसी को आप मारोगे तो ही आपको किल मिलेंगे, अगर छत के ऊपर मारोगे तो या टेरेस के ऊपर मारोगे तो वो मिसाइल या फिर वो लॉन्चर आपका वेस्ट चला जाएगा। ये देखिए दोस्तों बंदे मतलब ओ शिट भाई एमो ख़त्म हो गया भाई। इसी जगह पे अगर आप एमो ख़त्म होता है और आप फायर गन यूज़ करते हो तो क्या होता है भाई, दूसरे जो दूर से बंदे आते हैं वो आपको टारगेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दूर से बंदे ज़्यादा शूट करते हैं। देखिए दोस्तों हम भी क्या कितनी दूर से शूट करते, अगर पास में रहते हैं पास में अगर रश करते तो शायद आप फायर गन का यूज़ ज़्यादा कर पाओ, क्योंकि उसमें क्या होता है फायर गन की रेंज बहुत कम होती है। तो गाइस देख रहे हो हमने अभी तक 3-4 किल तो ऐसे ही कर दिए एक ही पोजीशन पे, हालांकि पोजीशन भी बहुत अच्छी है। और बंदे जहाँ से आते हैं गाइस हमारे जो गन ख़त्म हो गई, तो इसने चाकू उठा लिया, कोई नहीं हमारे पास फायर गन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बंदे आ रहे हैं यहाँ से, तो ये देखिए दोस्तों हम हमारे जो फायर गन का जो पॉइंट्स है वो भी अभी एक ही दो ही बचे, कोई बात नहीं हम अभी ओ शिट शायद हमें अभी गन मिल जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो टाइमर था वो हमारा जो मिसाइल का टाइमर था वो फिर से बन गया, तो अब इस बार हम गलती नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे नीचे ही मारेंगे। देखिए दोस्तों हमने ग्राउंड पे मिसाइल छोड़ी तो हमें किल और मिल गया, और हमारी यहाँ पे गन की जो बुलेट है वापस आ चुकी है। तो ये बंदा मिल गया। ओ शिट भाई शायद हमारे जो ये वाला मैप है उसमें हम थोड़ा नर्वस हो जाए, क्योंकि हमारा जो बंदे है बहुत सारे एक ही जगह से आते हैं, तो भाई डबल स्क्वाड के सामने आप कैसे खेल पाओगे, तो आपका जो पॉइंट है आप थोड़ा बहुत नर्वस हो जाओगे तो आप कहीं से भी शूट नहीं कर पाओगे दोस्तों। जी हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे बंदे आ जाते तो आपके कंट्रोल से होते, आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता कि आप बंदे कहाँ से मारे कहाँ से नहीं, आप कहाँ से जंप करें या नहीं करें। तो भाई हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ अभी, कोई बात नहीं। ये भाई देख रहे हो दोस्तों मतलब आप FTF की जगह पर आप TDF की जगह पर आप FTF खेलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, फर्स्ट पर्सन शूटर के हिसाब से आप खेलोगे तो दोस्तों आपका जो कंट्रोल्स होगा वो बहुत अच्छे से मिलेगा। हालांकि किसी को ये दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट था वो ख़त्म हो चुका है, हालांकि यहाँ पे रिकॉर्ड बहुत कम मिला, क्योंकि देखिए दोस्तों स्टार हमने 20 किल किए और हमारा सबसे पहला नाम आया गया दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों, हमारा जो ये दूसरा मैच था तो उसमें हमने थोड़ा बहुत पहले मैच से एक्सपीरियंस कर लिया है। अगर आपको भी ऐसा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप भी ये गेम खेलिएगा, तो आपको भी अच्छे से पता चलेगा कि ये मैप कैसे काम करता है और यहाँ पे किल कैसे मिलते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस हम अपना स्कोर देख लेते कि हमने कितना स्कोर किया था, हालांकि बाकी लोगों का नहीं देखा था, तो सबसे ज़्यादा हमारा स्कोर है, बाकी का स्कोर देख रहे दोस्तों सबके 5-6 5-6 7 ही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।